नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके क्वालिटी मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम एक बीडो की हेयर स्प्रे का रिव्यू करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आपके बालों पर ये कैसा इफेक्ट शो करेगी। चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं इस हेयर स्प्रे के होल्ड के बारे में कि आपके बालों पर ये कैसा होल्ड प्रोवाइड करेगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस हेयर स्प्रे का जो होल्ड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड नहीं करती, लगभग मीडियम होल्ड इसे देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम इसकी पैकेजिंग पर नजर मारें तो यहाँ पर लिस्टेड है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, आपको इसे मीडियम लेवल का होल्ड ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस हेयर स्प्रे की अच्छी बात यह भी है कि इससे आपके बालों में स्टिकनेस वाला फैक्टर नहीं आता, जो बालों में चिपचिनाहट वाला पन होता है वो ये प्रोवाइड नहीं करती, जिससे अगर आप बालों में हाथ मारना चाहो तो भी आप आसानी से मार सकते हो, और इवन अगर आप बालों को रीस्टाइल करना चाहो तो बालों को रीस्टाइल भी कर सकते हो, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने इस हेयर स्प्रे को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे इसका जो होल्ड है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ करते हो तो भी आपको इससे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका मेन डिसएडवांटेज ये रहता है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो जैसे कि पार्टीज में, फंक्शंस में, तो वहाँ अगर आप नाच रहे हो तो आपके जो बाल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हेयर स्प्रे होती है उसका काम होता है आपके बालों को एक जगह पर होल्ड करके रखना, लेकिन वो बेनिफिट आपको इस हेयर स्प्रे में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए तो फिर उस केस में ये हेयर स्प्रे आपके लिए सही नहीं रहेगी। दोस्तों एक चीज़ और है मुझे हेयर स्प्रे की अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इसे अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं वो ड्राई हो जाएंगे, वो ये बालों को सुखा देती है। हालांकि जो मोस्टली हेयर स्प्रेज होती हैं वो आपके बालों में एक वेट लुक प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपके बालों में एक स्टाइलिश लुक जो है वो बन जाती है, लेकिन ये जो हेयर स्प्रे है ये आपके बालों को सुखा देगी, मीन्स आपके बालों को ड्राई कर देगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि जिन लोगों को मैट फिनिश चाहिए उनके लिए हेयर स्प्रे काफ़ी अच्छा काम करने वाली है, कि लगभग मैट फिनिश भी ये प्रोवाइड कर देती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसे पानी की मदद से रिमूव कर दोगे तो फिर आप गलत हो, क्योंकि आप जितना भी पानी का यूज़ कर लीजिए ये आपके बालों से नहीं जाने वाली, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक शैम्पू की, क्योंकि शैम्पू की मदद से ही ये आपके बालों से रिमूव हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इस हेयर स्प्रे को डेली यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, तो उसका आंसर जानने के लिए चल नज़र मारते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वैसे तो उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉलीथिनिल ग्लाइकोल एंड पॉलीविनिल परलोल्डन का यूज़ किया गया, जो कि आपके बालों के लिए सेफ नहीं है। तो अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे तो उसका मेन साइड इफेक्ट ये होगा कि इससे आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, जिससे आगे जाकर आपको और भी हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इस हेयर स्प्रे को कभी डेली यूज़ मत करना, हाँ कभी कभार इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप पूछोगे कि कौन कौन लोग इस हेयर स्प्रे का यूज़ कर सकते हो, मेनली उन लोगों के लिए काम करेगी जिनको ज़्यादा होल्ड नहीं चाहिए होता, जैसे अगर आपको मीडियम होल्ड चाहिए तो उस केस में ये बेस्ट काम करेगी, और अगर आपके बालों की लेंथ मीडियम है तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छा होल्डनेस देखने को मिल जाएगा, और साथ ही अगर आपको मैट लुक चाहिए तो वो चीज़ भी आपको इस हेयर स्प्रे में देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इसके प्राइस की। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 180 ml, और यहाँ पे इसको जो MRP प्राइस लिस्टेड है वो है 450 rupees, जो कि हेयर स्प्रे के हिसाब से देखा जाए थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ मुझे लगता है कि जो बीडो की हेयर स्प्रे है वो थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि मार्केट में आपको इससे भी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी अच्छी हेयर स्प्रेस देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें इस मैन आर्डन की हेयर स्प्रे की, जो कि आपको लगभग 400 से भी कम की मिल जाती है, और इससे आपको एक तो स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलेगा और साथ ही इसे आपको वेट लुक भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर किया हुआ है, इसका रिव्यू देखने के लिए आप कार्ड पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप इस बीडो की हेयर स्प्रे को बाय करना चाहते हो, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से इसे बाय कर सकते हो।
तो दोस्तों ये था इस वीडियो की हेयर स्प्रे का रिव्यू। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, गिवअवेज की इन्फॉर्मेशन, और अगर आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी मैं इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टा का जो लिंक है आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को अच्छी लगेगी इसलिए उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो की हेयर स्प्रे के बारे में, वो सब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। दोस्तों जल्दी मिलेंगे और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।